नए मेहमान आए हैं अरुणाचल प्रदेश से, हम उनका भी परिचय कराएंगे बारी बारी से। तो मेरे अरुणाचल प्रदेश के वीर जवानों, आप लोगों को कल का ईटानगर का अनेगुरी लुक का सपोर्ट और ओलो का इमोशन सेंटिमेंट्स देख के कैसा लगा? अच्छा लगा। यस, ये होता है हमारे माता का, भारत माता में भारत माता इस देश में जितने भी पुत्रियों को भारत माता ने जन्म दिया है वो सारे हमारे माताएं हैं हमारे घर के। एक घर तब अच्छा से चलता है जब घर की गृहिणी, जब घर की माता श्री बिल्कुल ऐसे हो। जैसे कल हमारे अरुणाचल प्रदेश में हमारे माताओं ने जिस तरीके से हम सब के प्रति, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के प्रति अपनी भावना को व्यक्त किया, जिस तरीके से वो विरोध प्रदर्शन में आ गए, जिस तरीके से वो पुलिस स्टेशन को पूरी जोर शोरों से घेर लिया और पुलिस प्रशासन के ऊपर वो हावी हो गए, ये काबिले तारीफ है। इसके लिए आप सब एक बार जोरदार तालियां प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। और एक प्रकार से खुशी भी हुई तो एक प्रकार से थोड़ी सी मैं भावुक भी हो गई थी। कल मैं लाइव वीडियो देख रही थी हमारे माताओं को चिल्लाते हुए, चीखते हुए, बिलखते हुए, रोते हुए, तड़पते हुए, तो साथ में मैं भी वीडियो में मेरे भी आंखों से आंसू छलक रही थी। मुझे वो आंसू मेरे दुख के आंसू नहीं थे बल्कि मेरी खुशी के आंसू थी कि हम यहाँ पर पिछले 1.5 महीने से पैदल चल के पद यात्रा करते हुए हम भारत देश की राजधानी, अपनी भारत देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं। तो हमारे साथ जिस तरीके से बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई, बहुत सारे दुर्व्यवहार भी हुआ और बहुत सारी ताकतों ने मिल करके हमें तोड़ने की, मरोड़ने की, रोकने की, दबोने की बहुत कोशिश की, लेकिन शुक्र है उस खुदा का, शुक्र है उस भगवान का, शुक्र है उस मसीह का जिसने हमें हर संकट से हमें बचाया और हर ताकत से हमें लड़ने की शक्ति दी और हम सफलता पूर्वक यहाँ दिल्ली पहुंच चुके हैं। अपनी राजधानी में हम जंतर मंतर में डटे हुए हैं। यहाँ पर हमें धरने पर बैठे हुए देख करके भी अरुणाचल में कुछ ऐसी गंदी राजनीतियाँ चली गई, कुछ ऐसे साजिशें रची गई, कुछ ऐसी गंदी षड्यंत्र रची गई कि हमें तोड़ सके, हमें मरोड़ सके, हमारी मुद्दे को भटकाने की हर वो मुमकिन कोशिश की गई जिसमें वो असफल हो चुके हैं अभी तक। खेद है तो इस बात का कि कुछ ऐसे नमूनों को, कुछ ऐसे अपने लोगों को उन लोगों ने भटका दिया, बहला दिया और उन लोगों को भटका के बहला के हमारे विरोध में उनका दुरुपयोग करने की कोशिश की, खास करके मेरे विरोध में, क्योंकि अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन की हर एक व्यक्ति की आवाज को दबाने की उसकी गंदी साजिश है, गंदी षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र में पहला निशाना उन लोगों ने मुझ पर साधा, आप लोगों के अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम के चेयरपर्सन के ऊपर उन लोगों ने सीधा निशाना साधा। अब पता नहीं किन किन की बारी आएगी, शायद मेरे बाद मेरे प्रेसिडेंट की बारी आ जाए, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट की बारी आ जाए, फिर कन्वेनर की बारी आ जाए, फिर फाइनेंस की बारी आ जाए, ना जाने कैसे कैसे करके मेरे फिर वॉलंटियर्स मेंबर्स के ऊपर भी वो एक एक करके हावी होने की कोशिश करे। उसके बाद अगर वो सारी उनकी चालबाज चालसाजी जब खत्म हो जाए तो जितने समर्थक अरुणाचल से यहाँ आ रहे पधार रहे, आए दिन दिन ब दिन हमारे बीच में इतने सारे समर्थकों का इतना पुरजोर समर्थन मिल रहा है, तो उन समर्थकों को भी भटकाने की कोशिश कर सकते हैं। फिर भी हमें हौसला बुलंद रखना है, हमें हिम्मत नहीं हारना है, हमें किसी के बहकावे में नहीं जाना है। और आज पूरा प्रदेश को पता चल चुका है कि झूठ की उम्र कभी लंबी नहीं होती है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। सांच को आंच नहीं, हिंदी में कहा जाता है, हम सच के साथ डटे हुए हैं, हम सच को लेकर के आए हैं, तो हमारे साथ जितनी भी गंदी राजनीति खेल ले, जितना भी गंदा साजिश रच रहे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमें किसी बात का भी कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। जैसे कि हमारे भाई सोल दोदुम जी ने कहा, डर किस मिट्टी से बना हुआ चीज है,
डर कौन है भाई, डर की क्या शक्ल है, क्या सूरत है, क्या डर हमें इतना सता सकता है, इतना डरा सकता है कि हम डर जाएं? बिल्कुल नहीं। डरते वो है जिनके अंदर में खोट होते हैं, और हमारे अंदर में पवित्रता है, हम में कोई खोट नहीं है। कुछ लोग ये कह रहे थे जंतर मंतर पर धरने का, आए दिन का धरने का खर्चा, दिल्ली में होटल का खर्चा, और बड़े बड़े महंगे महंगे गाड़ियों में घूमने का खर्चा, ये AAC टीम का फंडिंग कहाँ से आता है? बड़ी जिज्ञासा जागी है अरुणाचल में कुछ लोगों को कि AAC टीम का फंडिंग कहाँ से आता है। तो मैं बता दूं आपको, हे मेरे अरुणाचल के फेक यूजर्स, हे मेरे अरुणाचल के भ्रष्टकोरी नेताओं के चमचाओ, मैं आपको अपनी लफ्जों में बता दूं, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का फंडिंग हर एक अरुणाचल के व्यक्ति के योगदान से आ रहा है। चाहे तो आप हमारे अकाउंट को चेक कर लीजिए, चाहे तो आप जाकर के हमारे सोशल मीडिया पर, हमारे सोशल प्लेटफॉर्म को चेक कीजिए। एक एक QR कोड पर 300 रुपया, 500 रुपया, 2000, 3000, 1500, 10000, यहाँ तक कि 30000 भी भेजने वाले हैं। तो उन सबको आए दिन अगर हर दिन एक व्यक्ति 3000 करके भेजेगा तो भी हमारा खर्चा करके भी पैसा बचेगा। तो आप फंडिंग की चिंता मत कीजिए। अगर आपको ज्यादा चिंता हो रही है तो आप यहाँ हमारे साथ आ जाइए, जंतर मंतर पर आप हमारे साथ बैठ जाइए, भले ही विरोधी से ही, यहाँ आकर हमारे साथ में आप डिबेट कीजिए, हमारे सवालों का जवाब दीजिए। हमारे पास जो दस्तावेज पड़े हुए, एक एक दस्तावेज पर जो एक एक एलिगेशन हम लगा रहे हैं, उनका बारीक बारीकी से आप सवालों का जवाब दीजिए। आप यहाँ आइए, हमारे अरुणाचल की जनता के दिए हुए डोनेशन के फंडिंग से हम आपको मुफ्त में खाना भी खिलाएंगे, पानी भी पिलाएंगे, चाय भी पिलाएंगे, और यहाँ आपको रहने का स्थान भी हम आपको देंगे, सोने की जगह भी देंगे, अगर आपको हमारी फंडिंग की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है तो। हर वो मुमकिन कोशिश कर लो, लाख हजार बार कोशिश कर लो, अगर कहीं से भी हमारे लिए एक फाइनेंशियल ढूंढ के आप ला दोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, ये मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ। और दूसरी तरफ मेरे जितने भी अरुणाचल के मेरे शुभचिंतक, हमारे अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम के शुभचिंतक, हमारे माताओं, हमारे दीदी, हमारे बहनों, हमारे भाइयों और हमारे मित्रों, यहाँ तक कि हमारे शत्रुओं को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। यूं ही बनाए रखिएगा हमारे साथ, यूं ही सच का साथ देते रहिएगा। सच को दबोचने की कोशिश करने वाले उन रावणों के 10,000 सिंह भी अगर उभर कर आएंगे तो आप अपनी वाणी से, अपनी शब्दों से उसका सर्वनाश कीजिएगा, उनको हराइएगा, यूं ही दब कर रहिएगा। मुझे किस तरीके से लोगों ने फंसाने की साजिश रची है आप सबको पता है। मैं आप सबके बीच में जब आई थी आज से 4 दिन पहले अरुणाचल न्यूज 24x2 के माध्यम से, तब मैं रो रही थी, मैं कमजोर नहीं पड़ी थी, मुझे दुख लगी थी कि एक महिला के ऊपर, अपनी ही राज्य की, अपनी ही बेटी के ऊपर, अपनी ही माँ के ऊपर, अपनी ही बहन के ऊपर इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं, इतनी गंदी राजनीति क्यों खेल रहे हैं, मेरे ऊपर कितने संगीन आरोप लगाए गए। बाजार में जाकर के जो चीजें बाजार में सस्ती दामों में मिल जाती है उन्हीं चीजों को खरीद करके उनको मेरे अगेंस्ट में दुरुपयोग किया गया, पुलिस स्टेशन पहुंचाई गई, उस लड़की के, उस महिला के जरिए मेरे ऊपर में गंदी गंदी आरोप लगाकर मुझे गंदी साजिश में फंसाने की अच्छी खासी तगड़ी साजिश रची गई। परंतु शुक्र है उस भगवान का, उस ऊपर वाले का, जिसने हमेशा सच का साथ दिया और सच का बांडा फोड़ हो गया। आज के डेट में आप सब लोगों ने सुन चुका है, देख लिया है कि वो लड़की क्या कह रही है। वो कह रही है कि मुझे मेरे भैया ने फंसाया है, शीतल मैडम के ऊपर गंदा इल्जाम लगाने के लिए मुझे मेरे भैया ने भटकाया है। मैं पहले भी रो रो कर कह रही थी कि मेरी जिंदगी में मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसके लिए मुझे समाज के सामने शर्मिंदा होना पड़े, जिसके लिए मुझे समाज के सामने सिर झुकाना पड़े, मुझे किसी चीज के लिए अफसोस करना पड़े, ऐसा कोई दुष्कार्य मैंने कभी नहीं किया है। जितनी भी लाख हजार कोशिश कर लो गंदी राजनीति खेलने की, लेकिन ऊपर वाला उसी का साथ देता है जिसके अंदर सच्चाई होती है। इसीलिए कहते हैं भगवान के घर में देर है परंतु अंधेर नहीं है।
तो ये सिद्ध हो चुका है, साबित हो चुका है कि ये एक गंदी साजिश थी, एक गंदी राजनीति थी मुझे यहाँ से हटाने के लिए। यहाँ तक कि उस लड़की का दुरुपयोग करके उसके जरिए मेरे अगेंस्ट में FIR फाइल करवाया ईटानगर पुलिस स्टेशन में, और उस FIR के बेसिस में मुझे समन तक इशू कर दिया कि तुम दिल्ली छोड़कर यहाँ ईटानगर तुम्हें आना पड़ेगा, पुलिस के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। तो हमने पुलिस स्टेशन में मेरे अपने रिप्रेजेंटेटिव, मेरे लीगल कंसल को मैंने भेजा, और पुलिस स्टेशन में मैंने कल एक लेटर डलवाया कि मैं जरूर आऊंगी, अरुणाचल मेरा राज्य है, ईटानगर मेरा घर है, मैं अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मैं जरूर आऊंगी, आपके हर सवालों का जवाब दूंगी, और जो भी आपकी कानूनी प्रक्रिया है हर प्रक्रिया में मैं बढ़ चढ़ कर आपका मैं साथ दूंगी, जो भी सवाल आपको मुझसे पूछने हैं पूछ लेना, पहले मुझे अपना दिल्ली का कार्य को मुझे संपन्न करने दीजिए, मुझे अपने लक्ष्य को मुझे पूरा करने दीजिए, मेरी आवाज को प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचने दीजिए, मेरी आवाज को गृह मंत्रालय तक पहुंचने दीजिए, इस भ्रष्टाचार के आरोप को मुझे सिद्ध करने दीजिए, मुझे दिल्ली से, प्रधानमंत्री जी से, मुझे गृह मंत्री जी से, हमारे देश के राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी से मुझे सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक CBI और एक ED, इन दोनों को मेरे साथ अरुणाचल वापस भेज दीजिए, तब हम अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम यहाँ से हंसी खुशी लौटकर अरुणाचल वापस जाएंगे, क्योंकि हमें बहुत जरूरत है। आज के दिन में हमें CBI पर पूरा भरोसा है, हमें ED पर पूरा भरोसा है, कुछ वहाँ के राजनेता लोग, प्रवक्ता लोग आते हैं मीडिया में और लोगों को भटकाने की कोशिश करते हैं, लोगों के बीच में ये कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि हम कानून पर भरोसा नहीं करते, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम वाले कानून से ऊपर है कहते हैं, ये कहकर के आप लोग एक गलत संदेशा आप लोग समाज के बीच में बांट रहे हो। हमने कभी ऑफिशियली नहीं कहा कि हमें कानून पर भरोसा नहीं है, हम पूरी तरह भरोसा रखते हैं कानून पर, हम पूरी तरह भरोसा रखते हैं न्याय प्रक्रिया पर, हमें केवल दुख इस बात का है कि जब हम कह रहे हैं कि राज्य में भ्रष्टाचार फैला हुआ है तो आप कहते हो कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ, जबकि आपको पता है पिछले 12 साल में कोर्ट में मुकदमे पड़े हुए हैं, मुकदमा चल रहा है, सुनवाई की तारीख नहीं आ रही है, तारीख पे तारीख लगते जा रहे हैं, कोई ऐसा तारीख नहीं आया जब सुनवाई हुआ होगा और ये सिद्ध हुआ होगा कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, सरकार ठीक ठाक से काम कर रहा है, ऐसा माननीय कोर्ट ने कोई कभी उनके तरफ से कोर्ट का कोई वर्डिक्ट नहीं आया, और ना ही ऐसा वर्डिक्ट आया कि भ्रष्टाचार हुआ है। तो पहले कोर्ट में भी हमारे कुछ समाज सेवक अरुणाचल से ही होते हैं, वॉलंटियर अरुणाचल सेना, अरुणाचल जस्टिस फोरम और भी कई सारे ऐसे संगठन हैं जिन्होंने ऑलरेडी PI फाइल करके रखा हुआ है कोर्ट में, तो उन मुद्दों पर कोर्ट चर्चा करने के लिए कोई तारीख नहीं दे रहे हैं। ये आप सब जानते, खुलेआम जितने नेता हमसे ये कह रहे हैं कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ, वो खुद भी भली बातें जानते हैं कि कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, कोर्ट में मुकदमा पड़ा हुआ है। आज अगर ऐसे ही कोर्ट की अगर ये प्रक्रिया ऐसे ही डिलेइंग चलती रही और ऐसे ही धीरे धीरे चलता रहा तो सदियां गुजर जाएगी, बहुत सारे पीढ़ियां आएंगे, बहुत सारे पीढ़ियां चली जाएगी, लेकिन कोर्ट में इसका कोई समाधान हमें दूर दूर तक होते हुए अभी नहीं दिख रहा है। तो हम ये राजनीति है, ये लोकतांत्रिक मूवमेंट कर रहे हैं, हम ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट कर रहे हैं, हम अपनी सत्याग्रह पे चले हैं। हमारे देश के बापू जी, हमारे महात्मा गांधी जी ने, परम आदर्श महात्मा गांधी जी ने जो राह हमें सिखाया है, जो राह दिखाया है, हम उन्हीं के लक्ष्य कदम को फॉलो करते हुए हम यहाँ दिल्ली तक पद यात्रा करके आए हैं अरुणाचल प्रदेश से। तो इस पर भी वो सवाल करते हैं कि अगर आपको कानून पर भरोसा नहीं है, आपको न्याय प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है, क्या इस तरह से आपके पैदल चलने से कोई समस्या का हल हो जाएगा, ये सवाल वो करते हैं। हम कहते हैं हमारा ये हक है, लोकतांत्रिक हक है, हम पैदल चल सकते हैं, हम धरना कर सकते हैं, हम प्रदर्शन कर सकते हैं, हमारा ये हक है, हमारा अधिकार है, हमारी भारत की संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हम अपने बातों को अपने देश के कानून विभाग के सामने इस तरीके से प्रकट करें।
हम कानून से हाथ जोड़कर विनम्र हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे समस्याओं पर थोड़ी सी रोशनी डाल।